हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर फ्रंट नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जैसा कि आपने स्क्रीन में देख लिया है। तो सबसे पहले हमने शर्ट पीस की कटिंग कर ली है, तो ऊपर से लेके हमने 13 इंच तक हमने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ये 8-7 साल के बच्चे की शर्ट है, तो ऊपर से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर जब बड़े किसी साइज़ का बनाना है तो ऊपर से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके की हमने डबल फोल्ड पट्टी ले लेनी है, 3 इंच की है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है और हमने 1 इंच छोड़ के इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, तो ये दोनों साइडों पे हमने निशान लगा लिया, ये बीच में जो हमने सेंटर लाइन भी बना लेनी है और इस तरीके से हमने शर्ट के सेंटर में भी हमने लाइन लगा लेनी है ताकि हमें सेंटर पता रहे। तो इस तरीके से हमने सेंटर पे इस पट्टी को रखते हुए रफ सीन लगा लेनी है, इस तरीके से देखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ तक जहाँ 13 इंच था वहाँ तक हमने रफ सीन लगा लेनी है। बाद में जहाँ पे हमने चौक से निशान लगाया था तो उसके निशान के ऊपर ऊपर भी हमने पक्की सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने तीनों तरफ ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये हमने पक्की सिलाई लगानी है, इसको रफ सीन नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमने तीनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम तीनों तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कटिंग कर दी और जो कॉर्नर है वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ठीक है, ताकि गला हमारा पलट सके आसानी से। तो इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस पे भी हमने रफ सीन लगानी है, बाद में इसको हम उधेड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी तीनों तरफ नेक को सेट करते हुए रफ सीन लगा देनी है। ठीक है, कॉर्नर को अच्छी तरीके से हमने अंदर की तरफ मतलब मोड़ देना है ताकि शेप हमें परफेक्ट पता चले। तो ये देखिए मेरे प्लाज़ो पीस थे, इसमें जो प्लाज़ो में से कपड़ा बचा है वो मैंने लिया है। ये मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट है इसलिए मैंने डबल इसको लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नेक को इसके ऊपर रखना है और नेक के ऊपर सेट करते हुए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, बीच में 2 इंच का गैप रहना चाहिए और ऊपर से हमने 5.5 इंच का जो नेक रखना है वहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके नीचे हम 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए 1-1 इंच की दूरी पे ये हमने सारे निशान लगा दिए हैं। अब हम शर्ट पीस को उठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने शर्ट पीस को उठा लिया और ये देखिए मैंने डोरी बना करके रखी हुई है ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। और इस तरीके से हमने सारे पीस कट कर लेने हैं। ठीक है, कट करने के बाद हमने जहाँ पे हमने निशान लगाया था ऊपर नेक का निशान छोड़ते हुए जहाँ पे हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे लूप रखते हुए हम इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे जो लूप्स हैं उसको हम अटैच कर देंगे। तो ये बहुत सुंदर नेक बनके तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे लूप्स को लगा दिए। तो अब हमने जो शर्ट पीस है जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर इस तरीके से हम शर्ट को रखेंगे और इसके ऊपर ही हम सीन लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पे हमने सीन लगानी है और ये हम जो पक्की सीन है वो लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेट करते हुए हम तीनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है। जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा जो शर्ट है इसके ऊपर रख के जोड़ दिया है और सेंटर भी बना लिया है। अब इस नेक को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और बाद में इसके ऊपर फिक्स कर देंगे शर्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से सेंटर बनाते हुए हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये नेक बनाना तो मैंने हर वीडियो में सिखाया है, ये सबको आता ही होगा। इस तरीके से हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा मार्जिन कट करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कपड़े को और छोटे छोटे कट लगा देंगे।
और ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है और ये मैंने डोरी बना के रखी हुई है। ठीक है, अब इसके सेफ्टी पिन की मदद से हमने इसको इस तरीके से पुरोना है। डोरी को हाफ हाफ कर लेंगे हम, डोरी को इस तरीके से हमने हाफ कर लिया। अब इस तरीके से हम एक लूप उधर से पुरोएंगे और एक लूप इधर से पुरोएंगे और ये वाली एक छोड़ देंगे। ठीक है, एक एक छोड़ते हुए ऐसे हम डोरी को सारे लूप्स में पुरो देंगे। इस साइड से भी एक लूप छोड़नी है और उस साइड से भी छोड़नी है। ठीक है, इस तरीके से छोड़ते हुए हम अब दूसरी डोरी, जो दूसरा हिस्सा था, उसको भी हम इसी तरीके से पुरो देंगे। तो ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, सारी डोरी मैंने पुरो दी है लूप्स में। अब ये चौरस पीस कट करके रखे हुए हैं मैंने वाइट कलर के। अब डोरी के नीचे इनको हम इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इनका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डोरी के नीचे भी ये लूप बना दिए हैं। तो ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नेक बन के तैयार है। बाद में आप इस नेक में आप लेस भी लगा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।